25 साल पहला मुकाबला होया सीगा, उहदे मुकाबले का सच हुण पंजाब पुलिस ने खुद ही कबूल लिया। गुरनाम सिंह बंडाला ना दा कथित खाड़कू सी, उहनू एक मुकाबले विच कहता कि गुरनाम सिंह बंडाला मर गया। जिहड़े बंदे नूं मारना सी, जिहड़े बंदे नूं टारगेट करना सी, उहदी थां दे उत्ते कोई होर ही मारिया गया। 9 अक्टूबर 1996 नूं बटाला पुलिस ने एक वखरे केस विच गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने हलफनामा दिता कि पर जुलाई 1994 नूं धारा 307 ते 34 आर्म्ड एक्ट ते टाटा दी धारावां तहत केस दर्ज किया सी ते दावा किया सी कि गुरनाम सिंह बंडाला इस कथित मुकाबले दे विच मारिया गया। एक खबर बड़ी चर्चा दे विच है, वो यह है कि जिस तरह के नाल झूठे मुकाबले बनाए गए, पंजाब पुलिस की कारगुजारी के उत्ते सवाल खड़े हुए। तो अक्सर असी ये चर्चा करते होंगे कि उदों कई बेदोष जिहड़े बेकसूर लोग वह भी इस दौर की भेंट चढ़ गए। तो उन्होंने एक 25 साल पहला मुकाबला होया सीगा, उहदे मुकाबले का सच हुण पंजाब पुलिस ने खुद ही कबूल लिया है। यानी कि जिहड़े बंदे नूं मारना सी, जिहड़े बंदे नूं टारगेट करना सी, उहदी थां दे उत्ते कोई होर ही मारिया गया सी। देखो जिहड़ा ये कल जो रिपोर्ट आई है उदों तो लैके ये चर्चा दे विच सी। रोपड़ जिले का यह मामला है ते इहदे विच दस्या जांदा कि एक गुरनाम सिंह बंडाला ना दा कथित खाड़कू सी, उहनू एक मुकाबले विच कहता कि गुरनाम सिंह बंडाला मर गया। मामला हाई कोर्ट च गया, हाई कोर्ट ने एक टीम बनाती, सैट बनाती, इहदे विच विशेष DGP गुरप्रीत कौर दिओ। पड़ताल हुई, पता लग्या कि जिहड़ा 9 अक्टूबर 1996 नूं बटाला पुलिस ने एक वखरे केस विच गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने हलफनामा दिता कि पर जुलाई 1994 धारा 307 ते 34 आर्म्ड एक्ट ते टाटा दी धारावां तहत केस दर्ज किया सी ते दावा किया सी कि गुरनाम सिंह बंडाला इस कथित मुकाबले दे विच मारिया गया। पुलिस ने इहदी पड़ताल की, उस वेले दे SPD परमराज सिंह, DSP एक शायद सहायक थानेदार सी गुरदेव सिंह, DSP दा नाम जसपाल सिंह है, इन्हां दा कहिंदे कथित रूप दे विच शामिल सी। पर उही बंदा 29 जुलाई 1994 नूं जिहड़ा ये परचा दर्ज किया सी ते 9 अक्टूबर 1998 तकरीबन 4 साल बाद वह बंदा बटाले दे विच प्रगट हो गया, गिरफ्तार कर लिया। फिर पता लग्या कि जिहड़ा बंदा 94 च मारिया गया सी वह तां एक सुखपाल सिंह नां दा कोई बंदा सी। 2015 च पीड़ित की पत्नी जी दलवीर कौर ते पिता जगीर सिंह वासी काला फगाना ने वकील कार्तिके राही एक पंजाब ते हरियाणा उच्च अदालत दे विच जस्टिस विनोद भारद्वाज कोल लगी, उत्थे उह पाती, जिहदे करके उन्होंने फिर दोबारा पंजाब पुलिस नूं आदेश दित्ते। गुरप्रीत कौर दिओ उस सिट दे मुखी सन, 15 तो लैके तुसीं देख लो 9 साल बाद उन्होंने ये मान लिया भी हाँ वह मुकाबला कथित रूप दे विच सही नहीं सी। ते हुण अगली कार्रवाई वास्ते लिखता ते बख बख धरावां ये 10-12 धरावां लातियां जी, उहदे तहत परचा दर्ज करन दे आदेश दे दिते गए जी। पहला भी कई मामले अजिहे सामने आए ने जी, जिन्हां दे विच कुछ पुराने रिटायर्ड पुलिस मुलाजमान के उत्ते गाज डिगी सी, कई
इस दुनिया के हुण हाजरी नहीं हैगी, यानी वह फानी संसार नूं रुखसत कह चुके ने, अलविदा कह चुके ने। तो पुराना जिहड़ा हुंदा ना कहिंदे जी पहला जिहड़ा कीता हुंदा वह सामने आ जाता हुंदा, सो अजिहे हालात बने हुए ने। अजकल सोशल मीडिया का जमाना है जी, अजकल सब की कितने ना कितने पहुँच हुंदी है, तो अजिहे मामले ने वह सुलझते हुए नजर आ रहे ने। निडर हाँ, निरपक्ष हाँ, आजाद हाँ, सच कहां गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमराना नूं सिद्धे सवाल। सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सबर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कैनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बणांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल, D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर, D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोग। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ कुलराज रंधावा, तुसी वेख रहे हो D5 चैनल पंजाबी, जिहड़ा लॉन्च हो चुका है हुण कैनेडा विच।